अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ हम लोग सब खैरियत से होंगे। हैप्पी बर्थडे टू मी। आज मेरी बर्थडे है और मैंने सुबह व्लॉग स्टार्ट नहीं किया था क्योंकि व्लॉग बहुत ज़्यादा ही लॉन्ग हो जाता। आज मेरी बर्थडे है तो इस वजह से मैं व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ 12 बजे। और 7th रमज़ान आप सबको मुबारक हो। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल के सब्सक्राइब बटन पर अपना हैंड प्रेस कर दें। वो प्रेस नहीं, हैंड प्रेस कर दें। आज का व्लॉग करते हैं यहीं से स्टार्ट। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। क्यूट क्यूट से मेरे बच्चे आए हुए हैं। ये रे जयान, ये री आयशा। हेलो आयशा। और ये उमर आया हुआ, इसने चोट लगा ली अपने आप को, अभी रो रहा था बहुत। कैसे चोट लगा बाबा? गिर गए थे। ओह, मेरा बच्चा गिर गया था। और हसन अली और मलाइका और ऋषि वगैरह आएंगे। ये अभी गिरा और अभी भी हरकत इसकी ख़राब। ये सिस्टर ने सामान निकाल दिया और मुझे कहा है तुमको, तुम देख लो और मैं लिस्ट बना कर दे रही, तुम जाके ले आओ। तो अभी मैं सबसे पहले वो सामान देखता हूँ, फिर उसमें जो कम होगा वो लेने जाऊँगा। कान में अभी ये झालर रखा हुआ है और बैलून से, और ये हैप्पी बर्थडे का पूरा, और इसमें HBD है। सिस्टर ने कहा सिंपल सा सजाऊंगी, बहुत ही अच्छा। यहाँ पे जो फ्रंट पे ना HBD लग जाएगा और नीचे पूरा हैप्पी बर्थडे का जो ये ब्लैक पड़ा हुआ है ये पूरा ब्लैक लग जाएगा। और अभी नमाज का टाइम हो रहा है तो सबसे पहले मैं नमाज पढ़ूंगा, फिर नमाज पढ़ने के बाद जाऊँगा। और भी काफ़ी ज़्यादा सामान है, वो सामान लेने। नमाज पढ़ चुका हूँ और अब मैं जा रहा हूँ सामान लेने। मुझे ले कर जाना था आयशा को, बट आयशा सो रही है तो मैं अकेले ही जा रहा हूँ। ये कैंडल वाले में नहीं है? कैंडल वाले में जी जी हाँ, इसमें 1 और 9 दे दें। वो अच्छा नहीं लगता। और इसमें मैं सभी देखता हूँ क्या लेना है, मुझे याद भी नहीं आ रहा यार। सामान वगैरह लेकर आ चुका हूँ, ये पूरा सामान इधर पड़ा हुआ है। और अब सिस्टर आएंगी रूम में, वो डेकोरेट करेंगी और मैं सामने लेटकर आराम से ब्लॉग बनाऊंगा। देखता हूँ वो डेकोरेट कैसा करती हूँ। उन्होंने कहा है मैं बहुत अच्छे से करूँगी, तो देखते हैं सिस्टर कैसे करती हैं। उनको बुलाते हैं और डेकोरेट करवाते हैं। आयशा मेरे साथ बैठी हुई है और इधर पूरा बैलून्स वगैरह फुलाए जा रहे हैं और सामान रेडी किया जा रहा है। आयशा और मैं इधर बैठ के दोनों तफरी कर रहे हैं। आयशा ने अभी 2 बैलून फाड़ दिया इसने पता नहीं कैसे। और अभी टाइम होने वाला है 4:30 और अब मैं बाहर जा रहा हूँ। जब तक यहाँ पे डेकोरेट वगैरह हो रहा है वहाँ जाके देखता हूँ कि आज इफ्तार पार्टी में क्या क्या चीज़ें। तो आयशा मेरे साथ जाओगी तो मैं आयशा को लेकर जा रहा हूँ, देखता हूँ बाहर क्या क्या चीज़ें बन रही हैं। यहाँ पे इफ्तारी में इंतज़ाम किया गया है। ये अंडा चाप, ये तो रोज़ ही बनता है। ये है कटलस न्यू चीज़, और ये समोसे, और ये ब्रेड का बना हुआ है। अभी और भी सारी चीज़ें बननी, मैं आप लोगों को दिखाऊँगा, बट वो इफ्तारी के टाइम। आज घर में काफ़ी अच्छी अच्छी डिशेस बन रही है। और इधर पूरा बैलून्स वगैरह फुला दिया सिस्टर ने, काफ़ी देर लग गया। पंप से फुला रहे थे, फेस से नहीं क्योंकि रोज़ा था। और अजान भी स्टार्ट हो चुकी है असर की। अब मैं सबसे पहले नमाज पढ़ूंगा, फिर उसके बाद आकर देखूंगा सिस्टर लोगों ने क्या सजाया और क्या नहीं। अजान हो रही है तो चलते सीधा नमाज। अभी ये हाफ सेटअप हुआ है, अभी पूरा सेटअप नहीं हुआ, अभी बैलून्स वगैरह सब लग रहे हैं। और अब मैं जा रहा हूँ अपना केक लेने क्योंकि मैंने अभी तक केक नहीं लिया। 6 बज गया, फिर अफ्तारी का टाइम हो जाएगा तो अभी जा रहा हूँ मैं केक लेने। और मैंने अभी तक अपने ड्रेस वगैरह कुछ भी चेंज नहीं किया, पहले केक लेकर आऊँ फिर चेंज करूँगा। केक लेने आ चुके हैं चॉकलेट। फाइनली ये पूरा सेटअप हो चुका है हाफ, और अभी हाफ चल रहा है। मैं केक भी लेकर आ चुका हूँ, अब मैं जा रहा हूँ अपने ड्रेस चेंज करने क्योंकि इफ्तारी खुलने में सिर्फ 20 मिनट बाकी है। और
टाइम बिल्कुल भी नहीं है, अफ्तारी के बाद देखूंगा पूरा क्या सेटअप है क्या नहीं है। और अभी मैं जा रहा हूँ अपना ड्रेस चेंज करने, रेडी हो चुका हूँ मैं। और मेरी जितनी भी पिक्चर वीडियो है वो आप लोगों को इंस्टाग्राम में मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग इंस्टाग्राम में जाके देख लेना। क्योंकि मैं अभी इसलिए बता रहा हूँ मैं कहीं भूल नहीं जाऊँ, अभी इफ्तारी के बाद जो बर्थडे सेलिब्रेट वगैरह होगा सारी पिक्चर और वीडियो इंस्टाग्राम में होगी, ठीक है। और अभी इफ्तारी लग चुकी है, मैं जा रहा हूँ इफ्तारी में बैठना, आप लोगों को दिखाता हूँ इफ्तारी। भी रेडी हो चुके हैं, मामू शाह बैठा है इफ्तारी करने के लिए। हसन अली क्या खाएंगे आज? चलो 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 चलो, नहीं खाएगा मामा, हाथ गए पैंट गंदा करेगा। इफ्तारी हो गई, नमाज भी हो गई, और अब जो है मैं आ चुका हूँ रूम में। सारा रूम भी डेकोरेट कंप्लीट हो चुका है, ये देखें आप लोग, सब चीज़ कंप्लीट हो गया। और अब बर्थडे सेलिब्रेट होगी, क्योंकि फिर तरावी का टाइम हो जाएगा, 9 बजे तरावी स्टार्ट हो जाता है, मुझे जाना है तरावी पर। मैं अभी अपनी पिक्चर और थोड़ी बहुत वीडियो वगैरह वो शूट करूँ, वो इंस्टाग्राम में आप लोगों को मिलेगा, बार बार बोला आप लोग इंस्टाग्राम में जाके देख लेना। इसमें सिर्फ आप लोगों को केक कटिंग वाला व्लॉग मिलेगा और ये डेकोरेट वाला मिलेगा, और जितनी रील्स वगैरह वो सब इंस्टाग्राम में मिलेगी। अभी मैं इधर अपनी पिक्चर शूट करवा रहा हूँ और फिर उसके बाद केक कट होगा। बनाने में मैं पूरा पसीना पसीना हो गया और पूरा इधर ना धूल हो गया कलर का, क्योंकि मैं वो कलर चला रहा था, तो सारी चीज़ें हो चुकी है। अभी बस सिर्फ केक कट होगा और आयशा वगैरह सब आ चुके हैं और सब आ रहे, तो जल्दी से मामा बाबा के साथ मैं केक कट करता हूँ। फाइनली केक वगैरह कट हो चुका और बच्चों ने जो हंगामा किया ना वो पता ही नहीं चला। ये देखिए ये क्या हाल कर दिया इन लोगों ने, पूरा बैलून्स वगैरह सब चीज़ इन लोगों ने फाड़ दिया। और अब मैं जा रहा हूँ तरावी पढ़ने, फिर आने के बाद मैं केक और बिरयानी वगैरह खाऊंगा, क्योंकि अभी तरावी में टाइम नहीं है। 2 hours later तरावी पढ़ के फारिग हो चुका हूँ और मुझे सब ने गिफ्ट दिए, एनवलप दिया, अभी तक मैंने कुछ भी ओपन नहीं किया क्योंकि मैं डायरेक्ट बर्थडे करके तरावी पढ़ने चले गया था। अभी मैं जा रहा हूँ खाना खाने, खाने में बना बिरयानी और मुझे भूख भी बहुत तेज़ लगी हुई है क्योंकि जाते वक्त मैंने कुछ भी नहीं खाया था। खाना खाकर फारिग हो चुका हूँ और मेरा गिफ्ट जो है वो दूसरे रूम में रखा है, वो मैं कल ओपन करूँगा। बट मैंने एनवलप ओपन कर लिया क्योंकि मुझे पैसे देकर सबर नहीं हुआ, टोटल मुझे 10,000 रुपये मिले सिस्टर लोगों ने, सब ने दिए, वो ज़्यादा हो गए गिर रहे। तो अभी बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ मैं और अभी मुझे करना है अपना व्लॉग एडिट। तो आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब मस्ट है, दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।